अब 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच आईसीसी की मीटिंग होनी है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर चर्चा की जाएगी, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आखिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहां पर खेली जाएगी, इंडिया अपने मैचेस कहां पर खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार जिद पर अड़ा हुआ है कि भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा अगर उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई चाहती है कि हाइब्रिड मॉडल पर बातचीत हो, और हाइब्रिड मॉडल के तहत ही जैसे एशिया कप 2023 खेला गया था, वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी खेली जानी चाहिए, जिसको लेकर यहां पर पूरी चर्चा की जाएगी और हाइब्रिड मॉडल पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान लगातार अड़ा हुआ है। अब बीसीसीआई और पीसीबी इस मीटिंग में आमने सामने होने वाले हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, और प्रतिनिधित्व कौन करेंगे इस मीटिंग का, ये भी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। बीसीसीआई की तरफ से बीसीसीआई सचिव जय शाह जो है श्रीलंका जा रहे हैं इस मीटिंग के लिए, और वो बीसीसीआई की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। वहीं पीसीबी की बात करें तो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी पीसीबी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, यानी कि जय शाह और मोहसिन नकवी आमने सामने होंगे और आईसीसी उस पर विचार करेगा कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना है या फिर पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली जाएगी। तो फैसला बहुत जल्द आने वाला है, 19 से 22 जुलाई के बीच इस मीटिंग में फैसला आ जाएगा कि आखिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कैसे खेली जाएगी, और हाइब्रिड मॉडल या फिर नहीं।